सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। तो ये आज का श्लोक है 69, वन ऑफ द फेमस श्लोक है गीता का, दूसरे अध्याय का। और इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, एक्चुअली इस श्लोक का मतलब क्या है, या निशा सर्वभूतानाम, कि जो समस्त जीवों के लिए रात्रि है, तस्याम जागृति संयमी, वो जो संयमी जो व्यक्ति है, जो स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है, जो भगवान का भक्त है सिंपल भाषा में, जो डिवोटी है, उसके लिए वो दिन के समान है। और यस्याम जागृति भूतानि, और जो सब जीवों के लिए, और जो सब जीवों के जागने का समय है, या जो सब जीवों के लिए जो दिन है, वो सा निशा पश्यतो मुने, वो जो मुनि है, जो डिवोटी है, उसके लिए वो रात के समान है, ऐसा यहाँ पे लिखा है। मतलब दिन और रात का अंतर है, कहने का अर्थ ये है, एक डिवोटी और नॉन डिवोटी की लाइफ में, एक भोगी और भक्त के जीवन में दिन और रात का अंतर है। मतलब जिस तरह से एक व्यक्ति या हम लोग, हम कभी सपने में नहीं सोच सकते कि जब भैंस जुगाली कर रही है तो क्या सोचती है, उसी तरह से एक नॉन डिवोटी एक सपने में नहीं सोच सकता कि डिवोटी सोच क्या रहा है अपने अंदर, वो नहीं सोच सकता, उसकी कल्पना के परे है एक प्योर डिवोटी क्या सोच रहा है। तो अब इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि या निशा सर्वभूतानाम, एक्चुअली लोग इसका डिवोटी जब पढ़ते हैं गीता तो इसका ऑलमोस्ट गलत मतलब ही निकालते हैं। वो कहते हैं देखो भगवान कह रहे हैं या निशा सर्वभूतानाम, कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्मसंयमी के जागने का समय है, तो इसलिए रात को जागना चाहिए और जागकर पूरी रात तपस्या करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, हरे कृष्णा चैंटिंग करनी चाहिए। नहीं, ये मतलब नहीं है, हेल्थ ख़राब हो जाएगी चाहे डिवोटी हो या नॉन डिवोटी हो, हेल्थ तो ख़राब होगी होगी, ये शरीर एक मशीन है। अब ये मशीन चाहे डिवोटी के पास हो या नॉन डिवोटी के पास, इसको अगर हम अपने हिसाब से यूज़ करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। आयुर्वेद में लिखा है कि 10:30 से 2:30 तक एटलीस्ट ये टाइम, 10:30 टू 2:30 तो है ही, लेकिन 10:30 टू 3:36, 10:48 से 3:36 आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सोना ही चाहिए, ये टाइम सोने के लिए बना है। और उसमें भी अगर खासकर देखें तो 10:30 से 2:30। अब हम कहीं नहीं, हम तो डिवोशन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमें तो पूरी रात जागना चाहिए, गीता में भगवान कह रहे हैं, नहीं ये इसका अर्थ है ही नहीं, ये तो हमारी अपनी कल्पना है और इसलिए हेल्थ खराब होगी और फिर मर जाएंगे जल्दी। अननेसेसरी नहीं जागना चाहिए, इस जो प्रकृति जो जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से ही चलना चाहिए। संध्या होती है, सभी जीव जंतु अपने अपने बिल और घोंसले में आ जाते हैं, सब सोने का टाइम ही बना है रात, चाहे वो डिवोटी हो या नॉन डिवोटी हो, उसमें आप पंगे नहीं ले सकते, तो इसलिए इसका ये अर्थ तो है ही नहीं, ऐसे करेंगे तो फिर हेल्थ ख़राब होगी। अब इसका एक्चुअल अर्थ क्या है वो हमें समझना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ये अर्थ होता तो प्रभुपाद भी लिखते मेरे सभी डिसाइपल्स को रात को जागना चाहिए, इस श्लोक का दृढ़ता से पालन करना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद ने इसमें लिखा नहीं। तो इसका यथार्थ मतलब क्या है इस श्लोक का, इस श्लोक का अर्थ है कि या निशा सर्वभूतानाम, कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है, तस्याम जागृति संयमी, वो आत्म निरीक्षक मुनि के लिए जागने का समय है। जो अंधकार है, अंधकार की तुलना, एक्चुअली जो अज्ञानता है, सॉरी, अज्ञानता की तुलना अंधकार से की जाती है और ज्ञान की तुलना प्रकाश से की जाती है। भोगी किस में होते हैं, अज्ञान में होते हैं, इसलिए वे उनकी तुलना किससे की गई है, अंधकार से, रात्रि से, वो रात्रि में सो रहे हैं। और जो आत्मसंयमी है वो कौन है, वो ज्ञान ज्ञान प्रकाश में है ना, वो ज्ञानवान है, इसलिए वो जाग रहा है, किसके प्रति जाग रहा है, वो डिवोशनल आइडियाज़ के प्रति, श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में, विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि, विचारवान पुरुष या आत्मनिरीक्षक मुनि अर्थात डिवोटी, जो एक डिवोटी है, डिवोटी के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। डिवोटी जो भी करता है, भगवान को भोग लगाता है, भगवान का नाम लेता है, गीता पढ़ता है और भगवान के होली प्लेसेस विजिट करता है, या जो डिवोटीज़ के जो आइडियाज़ हैं कि भगवान की सेवा
भगवान में मन कैसे लगाया जाए, जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूँ, संसार क्या है, ये सब जानना चाहिए। ये जो भी आइडियाज़ हैं या डिवोटी की जो एक्टिविटीज़ हैं, इन सब के प्रति जो नॉन डिवोटी है, संसारिक व्यक्ति जो है, जो बद्ध जीव है, कंडीशन सोल है, वो सोता है, वो कहता है मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि वो अज्ञान में है, अंधकार में है, उसको भी लेना देना ही नहीं, वो उसके प्रति सोया हुआ है। जिस तरह से रात को व्यक्ति कोई, जब हम सोते हैं तो हमें थोड़ा सा पता लगता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, शहर में क्या हो रहा है या उस गली में क्या हो रहा है, नहीं, हमें कुछ पता ही लगता। उसी तरह से जो भोगी हैं वो सोए हुए हैं, दिन में भी सोए हुए हैं और रात को भी सोए हुए हैं, 24 घंटे ही सोए हुए हैं। इसका मतलब केवल रात को सोने से नहीं है, नॉन डिवोटी परमानेंटली सोया हुआ है आध्यात्मिकता के प्रति, और डिवोटी परमानेंटली जागा हुआ है किसके प्रति, भगवत जिज्ञासा के प्रति, भगवान की भक्ति करने के लिए वो सदैव तत्पर है। इसलिए उसको कहते हैं वो जागा हुआ है, क्योंकि वो प्रकाश, वो ज्ञान की ओर अग्रसर हो रहा है ना। इस तरह से इसको समझा जा सकता है श्लोक को, यस्याम जागृति भूतानि, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, सा निशा पश्यतो मुने, जो सब बद्ध जीवों के जागने का समय है, मतलब भोग करने की जो उनकी जो प्रवृत्ति है, जो टेंडेंसी है, उनके जो आइडियाज़ हैं, जस्ट डू इट फिलॉसफी, और इस संसार में मज़े करो, बस जब तक जी रहे हो चोरी करो, डाका करो, घी पियो, मज़े करो, इस फिलॉसफी के प्रति, इस आइडियाज़ के प्रति, ये जितने भी उनके आइडियाज़ हैं, इन आइडियाज़ के प्रति और उनकी एक्टिविटीज़ के प्रति डिवोटीज़ सोए हुए हैं, डिवोटीज़ को भी कुछ लेना देना नहीं। जिस तरह से नॉन डिवोटी को डिवोटी के आइडियाज़ और एक्टिविटीज़ से, क्रियाओं से कुछ लेना देना नहीं है, उनके प्रति वो सोया रहता है, यार ये तो पिछड़ी जाति के लोग हैं, भक्ति व्यक्ति माला वाला करते रहते हैं, आज के युग में 4G 3G चलाओ, मर्सिडीज़ में घूमो, ये क्या हो रहा है। उसी तरह से डिवोटी भी भोगी की जो एक्टिविटीज़ हैं, क्रियाएँ हैं, और उनके जो आइडियाज़ हैं, उनकी जो अपनी फिलॉसफी है, उन सब के प्रति वो सोया रहता है, डिवोटी को भी कुछ लेना नहीं। क्योंकि डिवोटी को क्यों सोया रहता है, क्योंकि डिवोटी को पता है कि ये अज्ञान है, अज्ञानता के प्रति डिवोटी सोया रहता है। डिवोटी केवल ज्ञान के प्रति, प्रकाश में है ना, डिवोटी केवल ज्ञान के प्रति जागता है। जब अज्ञानता कहीं पे देखता है तो एकदम से सो जाता है, मतलब उदासीन रहता है उन चीज़ों के प्रति, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता संसार में, फालतू की चीज़ों में, वो केवल उतना ही संसार में। श्लोक आता है ना, इंद्रिया नाम ही चलता, जो हमने परसों डिस्कस किया था, कि वो अपनी इंद्रियों को चलाएगा, उतना ही चलाएगा जितना जीने के लिए ज़रूरत है, कछुए की तरह, बाकी संकुचित करके रख लेगा, अननेसेसरली संसार में पंगे नहीं लेगा, पॉइंट ये है, जितना जरूरत है बस जीने के लिए, कामस्य न इंद्रिय प्रीति, वो उतना जीवन यापन के लिए संसार में घूमेगा, लेकिन संसार से फिर भी अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको हायर टेस्ट की प्राप्ति हो चुकी है, जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो स्थित प्रज्ञ है, उसको भगवान की रियलाइजेशन हो चुकी हैं, उसको पता है कि भगवान मुझे देख रहे हैं, भगवान मुझे सुन रहे हैं, और मुझे भगवान की प्रसन्नता के लिए ही बस जीना है, और ये सोच के वो खुश रहता है। बस ये एक डिवोटी है, और नॉन डिवोटी कौन है, जो हमेशा दुखी रहेगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अज्ञान में है, और उसका जीवन का लक्ष्य भी कुछ नहीं है, और वो क्योंकि उसके जीवन का लक्ष्य कुछ नहीं है, इसलिए उसको कहा जाता है कि वो सोया हुआ है, और जब वो जागता है तब भी सोया हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका जीवन ही अज्ञानता में है, और डिवोटी चाहे सोए या जागे, वो हमेशा जागा ही हुआ है। इस तरह से इस श्लोक को समझेंगे। अब जब लेकिन कहा जाता है कि डिवोटी सोया हुआ है, तो वो किसके प्रति सोया हुआ है? अज्ञानता के प्रति, मतलब भोगियों की जो एक्टिविटीज़ है उनके प्रति उसको कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए उसको कहा जाता है सोया हुआ है। जैसे हम डिवोटीज़ ऐसा, हमें कुछ भोगियों की एक्टिविटीज़ से क्या चल रहा है, हमें कुछ ज़्यादा लेना देना थोड़ी ना, हमें क्या करना है, लेकिन ये है, हमें फिर भी थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि हम बाय चांस कोरोना है और सब बंद है चीज़ें, और हम एकदम से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और एकदम से फिर पता चले वो बॉर्डर ही बंद है वहाँ का, दूसरे स्टेट का, तो फिर अटक जाएंगे ना। तो एक प्रैक्टिकल लेवल पर चीज़ें वो समझता है, लेकिन पता रखता है थोड़ी, लेकिन ये नहीं कि वो उसमें इंटरेस्ट लेता है, उसका इंटरेस्ट नहीं होता इस संसार की न्यूज़ में, संसार की एक्टिविटीज़ में, संसार के आइडियाज़ में, उसका इंटरेस्ट तो भगवान की जिज्ञासा में, भगवान को जानने में होता है बस। ये श्लोक का यथार्थ मतलब, अब आप इस दृष्टिकोण से श्लोक को पढ़ेंगे तो समझ आएगा। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की।